मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको दो तीन संस्मरण सुनाएंगे। के शाह का एक संस्मरण हमने सुनाया था आपको, और हल्द्वानी में एक भक्त हैं उसमें मिलके आया था, उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। और कई संस्मरण ऐसे हैं जहां मान मलब्बत जो होती है ना वो करनी पड़ती है महाराज। महाराज जी के भक्त प्यार करते हैं तो इस हद तक करते हैं। मैं आपको अभी बताऊं, पहले के शाह की याद दिलवा दूं, संक्षिप्त में आपको बता दूं कि के शाह एक बार महाराज जी से कह बैठे कि महाराज जी घर पे आए। सामान्यतः आदमी कह देता है, और महाराज जी ने उनकी घर पे आने की जो बात थी ना वो हवा में उड़ा दी। इधर के शाह को लगा कि भक्तों के सामने हमने कहा महाराज जी से, और हम जाग गया। के शाह ने भी कहा जब तक महाराज जी नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं आऊंगा, और वो अपने घर से इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी आएंगे तभी हम जाएंगे। ये प्रेम भरा झगड़ा है भगवान और भक्त का। महाराज जी ने देखा कि के शाह नहीं आ रहे हैं, किलास कहा करते थे, किलास नहीं आ रहा है, तो महाराज जी ने वहां पर एक प्रोग्राम रखा अपने और जो भक्त थे उनके घर जाने का, और वहां खबर भिजवा दी कि कल हम आ रहे हैं, जिसको जहां मिलना हो हमसे मिल ले। महाराज जी जिनके घर गए वहां बहुत सारे भक्त आ गए, इसके बाद दूसरे ग्रस्त के घर गए वहां बहुत सारे भक्त आ गए, यहां तक कि के शाह के पड़ोस में गए आप, वहां दरबार लगा हुआ है और के शाह तने बैठे हैं कि जब महाराज जी हमारे घर आएंगे हम नहीं जाएंगे। महाराज जी को पता था कि हमारा भक्त ऐसा ही है, आप वहां से उठते हैं, शाम का वक्त हो चुका है, और चल पड़ते हैं के शाह के घर की तरफ और नीचे से आवाज लगाते हैं किलास, और के शाह दर्द के आते हैं ऊपर से जीना से, और महाराज जी के पैर पकड़ लेते हैं और आशीर्वाद उनकी आंखों से होने लगता है। कैसा संबंध होता है भगवान और भक्त के बीच में कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तभी कहते हैं कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। मैं हल्द्वानी में जिनके घर गया था उनके यहां हेड़ा खान बाबा भी आए थे, उनके पिताजी के दादा के जमाने में। सोमवारी बाबा से भी उनका निकट का संबंध रहा है, और मैं उन पलंगों पर उनके यहां जो बिस्तर थे कुर्सी थी, कभी महाराज जी उनके यहां विराजमान हुए हैं, मुझे उन्हें स्पर्श करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, उनका इंटरव्यू मैंने दिखाया था। तो मित्रों उन्होंने भी एक घटना सुनाई थी कि महाराज जी के साथ हम खूब घूमे हैं, रिक्शा पर पैसे, आपको याद है ना। महाराज जी से एक बार उनकी भी थोड़ी सी उनका मन था कि महाराज जी उनके घर आए, महाराज जी इस तरह से नहीं आते थे, लेकिन महाराज जी जब भक्त की श्रद्धा समझ लें, भाव समझ लें, तो छोटे नहीं हो जाते थे, वो भाव पहुंचते थे। लेकिन अगर कोई भक्त अपने अहम को इतना बड़ा कर ले, एक हमने कथा आपको सुनाई थी कि एक सेठ ने आपको आमंत्रित किया था, और उन्होंने कहा था कि कल का भोजन प्रसाद आपका हमारे यहाँ रहेगा, और उन्होंने कहा क्या उन्हें रोटी बनवा, उन्हें नहीं मालपुए बनवाएंगे तो उन्हें कुत्ते खाएंगे, वो भी आपको याद होगा। तो उनके यहाँ महाराज जी नहीं पहुंचे थे और वो मालपुए कुत्तों ने खाए थे, ये कथा भी मैंने सुनाई थी। तो मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जब श्रद्धा भाव से जब आदमी के अंदर विश्वास होता है और एक
प्रीत भरी खिंचन होती है तो महाराज जी भी आते हैं। आप भी इंतजार करिए, महाराज जी को बुलाइए, महाराज जी आपके पास जरूर आएंगे, है ना। कथा आपने सुन ली है और एक मिनट मैं और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी, मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं, प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पर पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी।